हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं नो नेम ओनली। तो आज के इस वीडियो में हम एक MHT CET के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, MHT CET की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो नई नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, परमिटिंग MHT CET 2020 रजिस्टर्ड कैंडिडेट टू चेंज इन देयर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पर MHT CET ने आपके लिए एक नया ऑप्शन ओपन किया है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं MHT CET एग्ज़ाम 2020 के लिए। ओके, तो चलिए हम इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ओके, मैं अपने डाउनलोड्स में यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये 4 जून को आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, परमिटिंग MHT CET 2020 रजिस्टर्ड कैंडिडेट टू चेंज इन डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस इन द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपके सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म में आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी ये डेट चेंज करने की लास्ट डेट है प्रेफरेंस चेंज करने की। ओके, 10th जून, आपको 10th जून से पहले पहले आपका प्रेफरेंस चेक कर देना है। अदरवाइज़ आपने जो पहले सेलेक्ट किया था वही होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते बहुत से स्टूडेंट्स जहाँ क्लासेस करते हैं वहीं अपना प्रेफरेंस डालते हैं। तो अब मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस का, तो बहुत सारे लोग नहीं जा सकते। ओके, तो हम देखेंगे आप कैसा चेंज करना है। ओके, यहाँ पर ये मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, ये QR कोड डाल दीजिए, कैप्चर कोड। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर फिर एक बार प्रोसीड पे यस कर दीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आएगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पहले सेलेक्ट किए हुए ऑलरेडी आ जाएंगे। उसके बाद आपको कोई सेलेक्ट करना है यहाँ पर।